नमस्कार साथियों, आ गई आ गई आ गई एग्जाम की घड़ी आ गई। मार्च 2023 तैयार है परीक्षा के लिए, तो आप भी तैयारी कीजिए। जैसा टाइम टेबल आया है उसके अनुसार आप तैयारी कीजिए और अच्छे मार्क्स लाइए। देखिए, मार्च में जो पेपर आपके होने वाले हैं उसमें समय सुबह 9 से दोपहर 12 बजे तक का रहेगा, और जो कक्षा 10वीं के बच्चे हैं उनका पेपर 1 मार्च से चालू होने वाला है और 20 मार्च को कंप्लीट हो जाएगा, और जो साथी कक्षा 12वीं में है उनका पेपर 2 मार्च से चालू होगा और 1 अप्रैल को कंप्लीट होगा। देखिए, 1 अप्रैल का मतलब जो पीसीएम के बच्चे हैं उनका पेपर 21 मार्च को कंप्लीट होगा, जो पीसीएम के बच्चे हैं उनका पेपर 21 मार्च तक चलेगा, जो पीसीबी वाले बच्चे हैं उनका पेपर 18 मार्च को ही कंप्लीट हो जाएगा, और जो कॉमर्स के बच्चे हैं, कॉमर्स में जिन्होंने आईपी ले रखा है तो आईपी का लास्ट पेपर 27 मार्च को है, और जिन्होंने मैथ्स लिया है उनका पेपर 21 तारीख को ही कंप्लीट हो जाएगा, और 1 अप्रैल को जो पेपर होने वाला है वह संस्कृत का रहेगा, जिन्होंने संस्कृत ले रखा है उनका रहेगा पेपर। तो आप ये टाइम टेबल कक्षा 10वीं का, कक्षा 12वीं का इस स्क्रीन को देख करके आप इसको पॉज कर लीजिए और नोट डाउन कर लीजिए, या फिर आप एमपी बोर्ड की साइट्स में से डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर आपके पास है तो बहुत ही बढ़िया है। आप टाइम टेबल देखिए और उसको देख करके अपना शेड्यूल बनाइए और एग्ज़ाम की तैयारी कीजिए और अच्छे मार्क्स लाइए। जय हिंद।